हेलो फ्रेंड्स, सी एस एफ एल डी सी एस आई 2020 के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। इस पूरे ईयर घटनाएं तो बहुत हुई हैं, ठीक है। अब एक एक को याद रखना बहुत ही टफ है, तो उन उनको करेंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो मेनली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के लिए। जम्मू एंड कश्मीर है एंड लद्दाख। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो यूटी बनाया गया है। टू नए यूटी हैं ये, यूनियन टेरिटरी, जिसके वजह से अब यूनियन टेरिटरी इंडिया में हो गए हैं। यूनियन टेरिटरी केंद्रीय शासित प्रदेश वो 9 हो गए हैं, और जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स वो हो गए हैं 28। 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरी। ठीक है, अच्छा, 31 अक्टूबर 2019 को इनको जो है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत, ठीक है, 2019, इसके तहत इनको यूटी में चेंज किया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में क्या होगा, एक सीएम होगा और इसकी इसका विधानसभा होगा, जैसे दिल्ली में होता है, पुडुचेरी में होता है। ठीक है, लेकिन लद्दाख में जो है वो बिल्कुल जनरल यूटी की तरह होगा। ठीक है, इसमें असेंबली नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अच्छा, जो जम्मू कश्मीर के और लद्दाख हैं, दोनों के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। तो जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं, उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू। और जो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं, उनका नाम है आर के माथुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, यूनेस्को ने मुंबई को और हैदराबाद को, मुंबई एंड हैदराबाद को इंक्लूड किया है अपने क्रिएटिव सिटीज में, क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में। ठीक है, क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। नेटवर्क ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, और यही यूनेस्को ने इंडिया में चेन्नई को और वाराणसी को भी इंक्लूड किया है। चेन्नई को इसको सिटी ऑफ म्यूजिक के लिए किया है, जयपुर को फोक आर्ट के लिए किया है, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए। ठीक है, फोर्थ, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 47th, उनका नाम है अरविंद बोबड़े, अरविंद बोबड़े। फिफ्थ क्वेश्चन, कर्नल च्विंग च्वांग, कहते हैं च्वैंग रिंचन, RINCHEN रिंचन, ये एक ब्रिज का नाम है, वो तो कर्नल थे ही, इनके नाम के ऊपर एक ब्रिज जो है उसको इनॉगरेट किया है मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। ठीक है, और ये है आपका लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनुच्छेद आर्टिकल 370 और आर्टिकल
35A जो जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देती थी, इसे एबॉलिश कर दिया गया है, एबॉलिश्ड, खत्म कर दिया गया, ठीक है। उसी के तहत फिर दो यूटी बने हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर, ब्रह्म पुत्रा, जिसे चाइना में सैंगपो रिवर कहते हैं, ठीक है ना। इसमें पहली बार इंडिया ने कार्गो कार्गो ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट किया है, ठीक है, वाटरवे के थ्रू। फिर नेक्स्ट आ जाओ, महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुआ है, तो चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे। ऐसे ही हरियाणा में जो इलेक्शन हुआ, तो जो चीफ मिनिस्टर बने, सीएम, वो बने हैं मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। 11th चीफ मिनिस्टर हैं ये, यहाँ के 11th चीफ मिनिस्टर। और जो डेप्यूटी सीएम बने हैं, उनका नाम है दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत चौटाला, ठीक है। 11th चीफ मिनिस्टर बने, ये याद रखने की बात है। गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत भारत के जल जल शक्ति मिनिस्टर हैं वो। तो उन्होंने एक अभियान लॉन्च किया है गंगा को क्लीन करने के लिए, जिसका नाम है गंगा आमंत्रण, गंगा आमंत्रण अभियान, ठीक है। लॉन्च किसने किया? जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह। क्यों? क्लीन गंगा प्रोग्राम के लिए, ठीक है। ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एयर मार्शल ऑफ इंडियन एयर फोर्स, जिनका नाम है लेट अर्जन सिंह, अर्जन सिंह, इनके नाम पे पोस्टल स्टैंप जारी किया है, पोस्टल स्टैंप इशू हुआ है, अर्जन सिंह इंडियन एयरफोर्स से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के जो चेयरमैन हैं वो अब इकोनॉमिस्ट हैं, विवेक 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 देबरॉय, विवेक देबरॉय को नीति आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट, फिल्म, इंडियन फिल्म गली बॉय, गली बॉय, ठीक है, इसको 2020 के ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है, ऑस्कर 2020 के लिए नॉमिनेशन की गई है गली बॉय को, ठीक है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है, यदि हमें किसी फिल्म को ऑस्कर के लिए भेजना होता है तो इसको जो नॉमिनेट करती है फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इस फिल्म की डायरेक्टर जो है उनका नाम है जोया अख्तर, एंड जो स्टार है इसमें रणवीर सिंह एंड आलिया भट्ट, राइट। एक ऐसी मूवी और है मोती बाग, मोती बाग, इसको भी ऑस्कर 2020 के लिए नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट, एक लद्दाखी डांस फॉर्म है, इस डांस फॉर्म का नाम भी पूछ सकते हैं कि डांस फॉर्म कहाँ का है, सोनडोल, ये लद्दाख का डांस फॉर्म है, ये वर्ल्ड गिनीज बुक, ये एंटर हुआ है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में। सोनडोल जो एक डांस फॉर्म है, डांस फॉर्म कहाँ का? लद्दाख का, वो रिकॉर्ड किया गया है। नेक्स्ट, प्रकाश जावेदकर, प्रकाश जावेदकर, प्रकाश जावेदकर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ INB,
इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जलदूत, जलदूत वाटर के लिए मैसेज पहुंचाने के लिए कि वाटर हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए, इफेक्टिवली यूज़ करना चाहिए, इसके ऊपर जलदूत। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल, राष्ट्रीय, नेशनल फूड, नेशनल फूड लैबोरेटरी इनॉग्रेट किया गया है, ये बनाया गया है गाजियाबाद में, गाजियाबाद जो यूपी में दिल्ली के पास का जगह है, गाजियाबाद यहां पे इनॉग्रेट किया गया है। इसे इनॉग्रेट किया है डॉक्टर, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल पर फ्लाई करने वाली पहली इंडियन एयरलाइन का नाम है एयर इंडिया, एयर इंडिया। ये पहली विमान की कंपनी है एयर इंडिया की फ्लाइट जो फ्लाई किया है जिसने नॉर्थ पोल्स पे, ठीक है। इंडियन नेशनल एयर कैरियर एयर इंडिया दिल्ली फ्रांसिस्को फ्लाइट नंबर AI-173, इसने नॉर्थ पोल के ऊपर 15 अगस्त 2019 में फ्लाई किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल कम्युनिटी, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, इनोवेशन सेंटर, ठीक है। ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में लॉन्च किया इसे, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये जो है प्रोग्राम है नीति आयोग का, वैसे जो पीएम मोदी ने 12 अगस्त 2009 को मैन वर्सेस वाइल्ड के जो होस्ट हैं, क्या नाम उनका, बेयर गिल्स, बेयर गिल्स, मैन वर्सेस वाइल्ड, वाइल्ड बेयर गिल्स, इस इनके साथ कहाँ पे इन्होंने शूटिंग की थी, किस पार्क में घूमे थे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट, जेड से भी लिखा रहता है कई जगह, कॉर्बेट नेशनल पार्क, अटल बिहारी, सॉरी प्रधानमंत्री मोदी ने इनके साथ इस यहाँ पे घूमे थे, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, पार्क जो है इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया एंड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1936। ये सबसे ओल्डेस्ट पार्क है और 1936 में इसको बनाया गया था, ठीक है, ताकि यहाँ पे बंगाल टाइगर को प्रोटेक्ट किया जा सके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट आधार सेवा केंद्र, फर्स्ट पहली बार आधार सेवा केंद्र, आधार सेवा केंद्र ओपन किया गया है दिल्ली में अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पे, दिल्ली में अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट, भारत का पहला, इंडियाज फर्स्ट, भारत का प्रथम नेचुरल आइस कैफे, नेचुरल प्राकृतिक आइस बर्फ कैफे, ठीक है, ये स्टार्ट किया गया है लद्दाख में, लद्दाख में, ठीक है, 14,000 फिट अबव, समुद्र तल से सी लेवल से इतने ऊपर। किसने किया है, इट इज क्रिएटेड बाय, जिन्होंने किया है उनका नाम है BRO ऑर्गेनाइजेशन, BRO क्या इसका फुल फॉर्म होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने ओपन किया है, इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत ओपन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्रीन नंबर प्लेट्स, गाड़ियों में ग्रीन
नंबर प्लेट मैंडेटरी की गई है ऑल इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं ई व्हीकल उनमें ग्रीन नंबर प्लेट रहेगा, जितने भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक से चलने वाले बैटरी से चलने वाले वाहन हैं उन सबका जो प्लेट होगा वो कैसा होगा, नंबर प्लेट ग्रीन होगा, ठीक है। इसकी जो है मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट आ जाइए, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने बच्चों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है शिक्षा शिक्षा वाणी। ये ऐप है जिसको सीबीएसई ने लॉन्च किया है ताकि पेरेंट को और स्टूडेंट को हेल्प मिल सके, वहां से वो गाइडेंस ले सकें, एग्जाम रिलेटेड प्रॉब्लम को पूछ सकें। सीआईएसएफ ने सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स आपकी संस्था ने सीआईएसएफ ने गिनीज वर्ल्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है लॉन्गेस्ट साइकिल लॉन्गेस्ट सिंगल लाइन साइकिल परेड के लिए। भारत का फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एडवांस्ड वायरोलॉजी ये इंस्टीट्यूट ओपन किया गया तिरुवनंतपुरम केरला में, तिरुवनंतपुरम केरला में, जो 26 जनवरी 1900 सॉरी 2020 में हमने अभी गणतंत्र दिवस मनाया रिपब्लिक डे, ये कौन से नंबर का था, 71st, ठीक है। नेक्स्ट अटल सेतु नितिन गडकरी ने बनवाया है, इसका उद्घाटन किया है। ये गोवा में एक रिवर है जिसका नाम है मांडोवी 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 रिवर पे बनवाया है अटल सेतु गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में रिवर सियांग, वहां पे एक रिवर है जिस रिवर का नाम है सियांग रिवर, इस रिवर पर इंडिया का लॉन्गेस्ट इंडियाज लॉन्गेस्ट स्टील केबल सस्पेंशन जो लटका हुआ रहता है झूलता रहता है सस्पेंशन ब्रिज बनवाया है, ठीक है। इंडिया का लॉन्गेस्ट वन लेन सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है और इस ब्रिज का नाम है ब्योरुंग ब्रिज, ब्योरुंग ब्रिज का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम हरियाली ये एक मोबाइल ऐप है जिसे यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया है इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए लोगों को, ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए। ऐसे ही सहयात्री ये भी एक मोबाइल ऐप है जिसे आईआरसीटीसी ने इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है, ठीक है, फॉर ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन के लिए, ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन के लिए, राइट। ऐसे ही एक पोर्टल और लॉन्च हुआ है जिसका नाम है ई पोर्टल ऑफ सीसीआरटी, ई पोर्टल ऑफ सीसीआरटी। सीसीआरटी का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, ठीक है, तो ये कल्चरल रिसोर्स के लिए लॉन्च हुआ है। ऐसी एक पोर्टल है जिसका नाम है शगुन 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 पोर्टल जो लॉन्च किया है एचआरडी मिनिस्ट्री रमेश पोखरियाल ने लॉन्च किया है शगुन,
वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन इंटीग्रेशन जंक्शन ऑफ वेरियस एजुकेशनल पोर्टल, बहुत सारे एजुकेशनल पोर्टल को मिला के ये शगुन बनाया गया है। ठीक है, एक और मोबाइल ऐप है जिसका नाम है एम आरोग्या। एम आरोग्या, आरोग्य। ओहो, एम आरोग्या, एम आरोग्या। इसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया है, ठीक है, और ये रिलेटेड टू है हेल्थ इशू के लिए, और इसे उन्होंने लॉन्च किया है सिलवासा इन दादर एंड नागर हवेली में। ठीक है, प्रपोज एम आरोग्या मोबाइल ऐप इज अ प्रोवाइड बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी थ्रू दिस ऐप। इस ऐप से ज़्यादा बेटर हेल्थ फैसिलिटी मिलेगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है इसे इनॉग्रेट, इसको लॉन्च, तो ये याद रखने की बात है। नेक्स्ट, दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग टी तो वैसे ही बहुत फेमस है, तो दार्जिलिंग के ग्रीन एंड वाइट टी को, ग्रीन एंड वाइट टी को रिसीव हुआ है जीआई टैग। जीआई टैग, ज्योग्राफिकल, जीआई का मीनिंग होता है जी ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, मतलब ग्रीन एंड वाइट टी आप जैसे ही टाइप करेंगे गूगल में तो क्या दिखाएगा वो, दार्जिलिंग। ठीक है, ऐसे ही जीआई टैग में शामिल किया गया है इरोड टर्मरिक। इरोड कर्नाटका में जो एक जगह है, तमिलनाडु में, इरोड, इरोड के जो टर्मरिक हैं उसको जीआई टैग मिला है। टर्मरिक, टर्मरिक मीन्स हल्दी, ठीक है ना, इसको क्या मिला है, जीआई टैग मीन्स यदि आप डालोगे कि टर्मरिक तो इरोड का नाम आ जाएगा जीआई टैग में, ठीक है ना। नेक्स्ट, इंडियाज लॉन्गेस्ट, इंडियाज लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिफाइड ट्रेन टनल, इलेक्ट्रिफाइड ट्रेन टनल ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये जो ये बनाया गया है, इनॉग्रेट किया है, इसको इनॉग्रेट किया है वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू ने। ठीक है, दूसरी बात, ये 6.7 किलोमीटर लॉन्ग है, इसको बनाया कहाँ पे गया है, इंडियाज लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल बिटवीन चेरलो पल्ली से लेकर रापुरा तक, रापुरा यहां तक बनाया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली कटरा एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, तो इसे चलाया यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने, इसका इनॉग्रेशन किया था। ठीक है, वैष्णो देवी जाने के लिए मेनली ये चलाया गया है, दिल्ली से वैष्णो देवी जाने के लिए कटरा तक। यूनियन रेलवे मिनिस्टर कौन है, पीयूष गोयल। तो यूनियन रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने एक नया रेलवे जोन बनाया है आंध्र प्रदेश के लिए, सेटअप किया है आंध्र प्रदेश के लिए, और उस जोन का नाम होगा साउदर्न साउदर्न कोस्ट रेलवे, कोस्ट रेलवे। ये क्या है, नया रेलवे जोन है आंध्र प्रदेश के लिए बनाया गया ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमन स्कीम, SUMAN, सुमन स्कीम, मैं स्कीम भी लिख देता हूं, सुमन स्कीम लॉन्च किया डॉक्टर हर्षवर्धन ने, ठीक है, लॉन्च सुमन शक्ति मातृत्व आश्रम, सुमन स्कीम टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी टू प्रेग्नेंट वीमेन, प्रेग्नेंट वीमेन को हेल्थ केयर फैसिलिटी देने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने सुमन स्कीम लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पीएम नरेंद्र मोदी, इन्होंने झारखंड में रांची में एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम था प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना, किसान मनधन योजना। ये किस प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रांची में लॉन्च किया, ठीक है, इसके तहत किसानों को फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी और जो किसान 60 साल से ज्यादा के हो गए हैं उनको मिनिमम 3,000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा एज अ पेंशन, 3,000 रुपीज किसको, जो 60 ईयर से ज्यादा हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो जिनकी मिनिस्टर हैं एकता, ये स्मृति ईरानी, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया है यार्न बैंक स्कीम, यार्न YARN, यार्न बैंक स्कीम, ठीक है। इस स्कीम में द मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड इनिशिएटेड अ यार्न बैंक स्कीम, वन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ पावर टैक्स इंडिया स्कीम विद एन ऑब्जेक्टिव टू इवेड फ्लक्चुएशन इन यार्न प्राइस, यार्न के कीमत में को कंट्रोल करने के लिए यार्न बैंक स्कीम बनाया गया है, ठीक है। इसको किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल जिनका नाम है स्मृति ईरानी, उन्होंने। न्यूक्लियर कॉन्क्लेव, न्यूक्लियर कॉन्क्लेव 2019, ये यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया था न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में न्यूक्लियर कॉन्क्लेव 2019 कहां पे हुआ, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, इंडिया का फर्स्ट हेलीकॉप्टर, फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट हेलीकॉप्टर समिट कहां पे लॉन्च हुआ है, ये तो ये फिक्की की हेल्प से देहरादून, देहरादून में लॉन्च किया गया है फर्स्ट हेलीकॉप्टर समिट 2019, हेलीकॉप्टर समिट 2019 देहरादून में किया गया। इंडिया का फर्स्ट सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी, को इनॉग्रेट किया गया है ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में ये इनॉग्रेट किया गया है उत्तर प्रदेश में, और होम मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया था, ठीक है। तो फर्स्ट सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी कहां पे, नोएडा में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है नोएडा। चलिए, थैंक यू, हमने कुछ अभी स्कीम देखे, अभी हमें कुछ अवार्ड सेरेमनीज वगैरह देखना है नेक्स्ट वीडियो में।